क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ये मान लेते हैं सपोज दैट कि एक भूमि है, और ये भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लो यहां एक पतंग उड़ रहा है जो कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है। तो पतंग बिना धागा का उड़ता नहीं है, इसमें और कुछ आगे गिवन है। पतंग में लगी डोर, पतंग में लगा हुआ है डोर अस्थाई रूप से। अस्थाई रूप मतलब है जो फिक्स्ड नहीं है, एक होता फिक्स गाड़ दिया है तो वहीं पे रहेगा। अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, डोर तना हुआ है। भूमि के साथ डोर का झुकाव जो है, भूमि के साथ डोर का झुकाव जो है 60 डिग्री है। तो बोला जा रहा है कि डोर का लेंथ क्या होगा, डोर का लंबाई क्या होगा। हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर निकालना, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन का कॉम्बिनेशन आता है, आराम से बन जाएगा। नाम दे देते चलो इसका ए बी और ये सी, ठीक है। तो यहां पर क्या गिवन हम लोग को, भूमि से पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, भूमि से जो पतंग की ऊंचाई जो है बीसी जो है वह है 60 मीटर, जबकि डोर और भूमि के साथ बना कोण, डोर और भूमि के साथ बड़ा कोण ए बराबर है 60 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना है डोर की लंबाई, डोर की लंबाई निकालना है हमें। डोर की लंबाई एसी इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक्स मीटर है, क्या है एक्स मीटर, यह बात हमने क्या किया है माना है। अब लिखते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज जैसा ये शेप बनाएगा। जब ऊंचाई का बात करता है तो ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कोण ए बराबर 60 डिग्री के सापेक्ष के साथ में चलते हैं। तो हमें निकालना क्या चीज है, हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर किसका कॉम्बिनेशन है साइन का। तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जिस एंगल के थ्रू चलते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और सबसे बड़का जो साइड है वो हाइपोटेनस है, जो कि नाम है एसी। यहां रखते हैं हम लोग वैल्यू, साइन ए की जगह पर 60 डिग्री, BC की जगह पर 60 मीटर, और AC को हमने माना था X मीटर, तो डाल देते हैं हम लोग X मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, और sin 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60/X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं √3X इज इक्वल टू 62 जा 120, ठीक है। दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय √3, रेशनलाइज करते हैं इसका 120 बाय √3 मल्टीप्लाई √3 और डिवाइड भी √3, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 120 √3 बाय √3, √3 क्या हो जाता है √9, √9 का मतलब 3, और ये 3 से कितना टाइम्स कैंसिल, 40 टाइम्स कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू 40 √3, जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डोर की लंबाई को। हेंस यानी कि अतः बोल सकते हैं डोर की लंबाई एसी इज इक्वल टू एक्स मीटर, जबकि एक्स के बराबर क्या आया है 40 √3, और मीटर तो है ही, यही आंसर है। चलो इसको कर लो नोट।